नहीं रहने वाली, और ये आता हुआ गॉड लाइक का थर्ड पार्टी। ये फाइट कॉल करी थी हमने यासनाया से, जब टीम निकलेगी और अगर शेल्टर पे भी एक क्वाड मौजूद है तो सैंडविच होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई थिंक एक्सपाक हमको यहीं पे खत्म होती भी। ओ सेंटेंस फिनिश नहीं किया और तभी जी गॉड नॉकआउट हो गए। यू नो स्प्रेगॉड ने यहाँ पे पिक ऑफ अच्छा निकाला जी गॉड पे, बट कब तक टिकने वाला है यहाँ पे, बिकॉज ब्लाइंड ने अपने तीन पेर गवा दिए। एक पेर अपनी जान बचाकर भागा है यहाँ से। हमने सैंडविच सोचा था कि यहाँ पर सैंडविच होगी टीम एक्सपाक, बट सैंडविच सिचुएशन आया उससे पहले ब्लाइंड को एक मेजर चंक डैमेज पड़ चुका है। तीन पेर गवाना छोटी बात नहीं होती है, बट मैप के किसी और कोने पे 4 AM के प्लेयर ने यहाँ पर गुजरात टाइगर को शिकार बनाना चालू किया। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पर कि क्लच गॉड परेशान थे, नॉक हुए, ज्यादातर मेरे ड्रीम्स को नॉक करेंगे और गुजरात टाइगर से दिक्षी भी थोड़ी सी दिक्कतों से घिर जरूर चुके। कुछ ही लम्हे बचे हैं, एक्सपाक का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। अगर तब तक ब्लाइंड के प्लेयर वन बाहर हो गए, देन दैट विल बिकम द फर्स्ट टीम टू गो आउट। बट नो, गॉड लाइक का इजी पुश, नंबर्स एडवांटेज थी, आखिरी प्लेयर को भी खत्म करते हुए एक्सपाक इस गेम से एलिमिनेट हो चुकी है मात्र 2 फिनिशेस के साथ। लेकिन WSB, आई गेस दिस इज द एंड। ये नेट जो है कहानी यहीं पे खत्म करता हुआ नजर आएगा। एंड देयर वी गो, जेली का नेट WSB का सफाया करता हुआ। और दूसरी तरफ जैसे बात कर रहे थे गॉड लाइक की, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले केविन को बाहर का रास्ता दिखाया है और अब इनकी कोशिश है कि मेडल का भी सेम ही हश्र किया जाए। जी गॉड का नेट था ना थोड़ा अगर अंडर कुक होता ना तो वापस कैच ही करना पड़ जाता और वहां पे होती परेशानी। बट मैं देखना चाहूंगा सिवान अगर आप स्क्रीन से सामने से हट जाए, बट ये देखिए फ्यूरी विद गेटिंग जी गॉड डाउन, फ्यूरी ने वहां पे जोनाथन को नॉक करा। अभी थोड़ी देर पहले जोनाथन ने अपने ग्रेनेड से 2 पे नॉक करे थे केमिन के, ये एक कारमा सा हो गया। बट अच्छी बात ये है कि रिवाइवल प्रोसेस काफी जल्दी एक्टिवेटेड है, यहाँ पर सबको रिवाइवल देकर गेम के अंदर वापस आना पड़ेगा। बिकॉज गॉड लाइक ऑलरेडी हैविंग अ फैंटास्टिक गेम, 6 फिनिशेस है, टॉप 11 के अंदर जगह बना लिया, और जो और 6 स्टेज का डैमेज काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इनको भी मूव करना है। गॉड लाइक की स्क्वाड भी सर्कल के लिए आगे बढ़ती हुई अलोंग विद ऑटोबॉट्स। यू नो गॉडल काफी एग्रेसिव खेल रहे हैं, दे वांट टू कंटेस्ट द शोर, बट शोर के आसपास भी बहुत सारी टीम मौजूद है। यहाँ पर केमिनी स्क्वाड कैन कॉज सम ट्रबल, बट इस फाइट के अंदर फिर से ये टीम की मुलाकात बैक टू बैक होती जा रही है, बट एक टीम यहाँ पे विक्टिमाइज होती जा रही है बैक टू बैक, वो भी हमारी केमिनी स्क्वाड। गॉडल का ये तीसरा मैं बोल सकता हूँ इनकाउंटर इनके साथ, बट विद दैट ईपीएस मेकिंग सम डिफरेंस हियर, यहाँ पर वेनम कैन बी इन डेंजर। यहाँ पे बगी उन्होंने बचाई तो सी है, बट डैमेज काफी ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे, बट ब्लू जोन के अंदर दैट टेकिंग डैमेज इज एनफ टू एलिमिनेट प्लेयर्स फ्रॉम द गॉड लाइक। गॉड लाइक इज नॉट लुकिंग गुड, दे हैव टू फाइंड सॉल्यूशन काफी जल्दी, बट प्ले जोन का शिकार होते हुए जेली दिख रहे हैं केमरी स्पोर्ट्स के। वेनम भी यहां पर किसी न किसी टीम के हफ्ते जरूर चढ़ेंगे, 5 फिनिशेस के साथ TWM एलिमिनेट होती है, यहां पर टॉप 6 के अंदर जगह जरूर बनाई। अब हमारे पास बची है टॉप 4 टीम्स, 10 फिनिशेस है यहां पर टीम।